Hey guys, so now we will do the canine, maxillary canine. In this video, हम इसे पूरा कवर करेंगे. ओके, दिस इज़ आवर द डेंटल आर्च. ठीक है, ये देखो, ये हमारे सेंट्रल सेंट्रल इंसाइजर्स है ना, लेटरल इंसाइजर्स. और जस्ट लेटरल इंसाइजर के बाद क्या होते हैं कनाइन. अब इस टूथ की हम बात करेंगे. ठीक है, कनाइन को बेसिकली कॉर्नर स्टोन ऑफ माउथ कहते हैं. ओके, इट इज़ कॉल्ड द कॉर्नर स्टोन ऑफ माउथ. हम कनाइन को थोड़ा जूम करते हैं. नाउ ओके, सी, दिस इज आवर कनाइन है ना. देखो, ये होगा हमारा डिस्टल है ना. कनाइन के डिस्टली क्या प्रेजेंट है? द फर्स्ट प्री मोलार. और दिस विल बी, ये क्या होगा हमारा? मीजियल है ना. तो मीजियल के इधर कौन सा टूथ प्रेजेंट है? जो कि है इंसाइजर्स. ओके, अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हाफ ऑफ द मीजियल, मतलब हाफ ऑफ द कनाइन, मीजियल एस्पेक्ट ऑफ कनाइन रिप्रेजेंट्स इंसाइजर्स एंड हाफ ऑफ द क्राउन ऑफ कनाइन, दैट इज डिस्टल हाफ, विच रिप्रेजेंट्स द प्री मोलर्स. ठीक है, ये इसकी बहुत बेसिक, बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है. ओके, लेट्स इसको अगर हम सेपरेट करें, लुक, इट इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट टूथ इन आवर मैक्सिलरी आर्च. समटाइम्स द रूट इज टिल्टेड टूअर्ड द, मोस्टली इट इज़ टिल्टेड टूअर्ड द डिस्टल एस्पेक्ट, बट मे बी इन सम केसेज इट इज़ टिल्टेड टूअर्ड द मीजियल एस्पेक्ट्स ऑल्सो. So these are, this is the canine. We can see, look, here we can see the cingulum. Okay, जिसकी बात हम करेंगे आगे. ये cingulum convergence देख रहे होंगे हम वीडियो में. आगे हम इस चीज़ों की बात करेंगे. देखिए, ये developmental depressions होंगे root के ऊपर है ना. In detail हम इसके बारे में बात करेंगे आगे. So these are the basic features. Now let's talk about the dimension of canine. ठीक है, हम इसके डायमेंशंस देखते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द डायमेंशन ऑफ रूट. रूट की लेंथ कितनी होती है? लाइक फ्रॉम दिस टू दिस, इट इज़ अराउंड 17 mm. दिस इज आवर रूट लेंथ. नाउ व्हाट इज़ द क्राउन लेंथ? दिस इज आवर क्राउन लेंथ फ्रॉम द सर्वाइकल लाइन टू द टिप ऑफ द कनाइन. ये होती है अराउंड 10 mm. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीजियोडिस्टल डायामीटर. ठीक है, सो ये हो गई हमारी मीजियोडिस्टल डायामीटर. इट इज अराउंड 7.5 mm. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट अ मीजियोडिस्टल डायामीटर नियर द सर्वाइकल लाइन. मतलब मीजियोडिस्टल डायामीटर नियर द सर्वाइकल लाइन. ओके, ये नियर द सर्वाइकल लाइन कितनी होती है म्यूजियोडिस्टल डायमीटर? इट इज़ अराउंड 5.5 mm. बेसिकली ये जो डायमेंशन है, ये हमें कार्विंग के वक्त बहुत हेल्प करेंगे. एंड हाउ डू वी नो विच वन इज़ म्यूजियल एंड डिस्टल? लाइक लुक एट द टिल्ट ऑफ द रूट, इट इज़ टिल्टेड टूअर्ड दैट साइड. तो इसका मतलब ये होगा हमारा डिस्टल और ये हो जाएगा हमारा म्यूजियल. ओके, now we will move on to the labial aspect of the tooth. okay, जो canine की basic feature है हम उसे अभी देखते हैं एक बार. look, ये जो हमारा crown है, यहाँ crown पे हमको दो developmental depressions दिखेंगे, one at this side and one at this side. okay, अगर मैं इसका color change करूँ, look at this, this one एंड दिस वन, देर इज़ अ डेवलपमेंटल डिप्रेशन. ठीक है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़. ये कौन सा था हमारा? डिस्टल साइड एंड इट इज़ आवर मीजियल. ओके, नाउ वी नो द टू डेवलपमेंटल डिप्रेशंस प्रेजेंट ऑन द लेबियल सर्फेस ऑफ द क्राउन. ये हमारा सर्वाइकल लाइन. सर्वाइकल लाइन इज कन्वेक्स टूअर्ड द एपेक्स ऑफ द टूथ, एपेक्स ऑफ द रूट. लुक एट दिस, यहाँ पे एक ब्लंट एपेक्स है
रूट की जो एंड होती है ना, इसे हम कहते हैं एपेक्स. इट इज आवर ब्लंट, ब्लंट एपेक्स. रूट की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है कैनाइन्स में, ठीक है. एंड जो कि हम जानते हैं कैनाइन इज द लॉन्गेस्ट टूथ. ओके ठीक है, हम क्राउन के बारे में बात करते हैं. क्राउन बेसिकली कॉन्वेक्स होता है ना. लुक, इट इज़ कॉन्वेक्स फ्रॉम द सर्वाइकल लाइन टू द टिप, ठीक है. मोस्टली ये सबसे ज़्यादा कॉन्वेक्स होता है इस सर्वाइकल पार्ट पे, दिस पार्ट पे. ओके देखो, अगर हम इसकी थोड़ी इमेजिंग अगर देखें, लुक एट दिस, अगर इसका हम इंसाइजल एस्पेक्ट देखते तो ये हमको कुछ ऐसा दिखता. दिस हियर इज एक कन्वर्जेंस क्रिएट होता और ये एक होता. ये तीन लोब बन जाते हैं. देखो ये एक लोब बन जाता है ना, और ये एक लोब बन जाता, और ये तीसरा लोब बन जाता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो डेवलपमेंटल डिप्रेशंस प्रेजेंट हैं, है ना, काइंड ऑफ दिस, एक दो और तीन, ठीक है. तो हम अगर इसकी नेमिंग करते तो ये होता हमारा डिस्टल लोब, ये होता हमारा मीजियल लोब, और बीच वाला सेंट्रल लोब. ओके, ये जो कॉन्वेक्सिटी है ना, इस कॉन्वेक्सिटी को हम नाम देते हैं लेबियल रिज. ओके, सो इज इट क्लियर नाउ? तीन लोब फॉर्म हो रहे हैं, मीजियल लोब, एक सेंट्रल लोब बन रहा है और एक डिस्टल लोब बन रहा है. सेंट्रल, ये तीनों लोब का बनने का दो रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डेवलपमेंटल डिप्रेशंस, और ये कॉन्वेक्सिटी और द लेबियल रिज प्रेजेंट ऑन द क्राउन. ओके, ये हमारी क्या है? कस्प टिप. दिस इज आवर कस्प टिप. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिस्टल एंड मीजियल स्लोप्स. ओके, एंड द कॉन्टैक्ट एरियाज बिटवीन देम. लेट्स डिवाइड द क्राउन इन आवर थ्री पार्ट्स, ठीक है. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. वी नो ये कौन सा है? ये है हमारा सर्वाइकल थर्ड. ओके, ये होता है हमारा मिडल थर्ड, और लास्ट वन इज होता है इंसाइजल थर्ड. एंटीरियर टूथ के लिए इट इज इंसाइजल, और पोस्टीरियर के लिए ये होता है ऑक्लूजल थर्ड. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है. ये देखो, हमें दिख रहा होगा इजीली, बहुत इजीली दिख रहा होगा, जो डिस्टल साइड का जो कॉन्टैक्ट एरिया है, इट इज़ अ बिट ऑफ हायर. लुक एट इट, ये कहीं यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, इन मिडल थर्ड. तो बेसिकली जो कॉन्टैक्ट एरिया है, डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया, ये कहाँ प्रेजेंट है? मिडल थर्ड में. ओके, नाउ लुक एट द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द मीजियल साइड. देखो, मीजियल साइड का जो कॉन्टैक्ट एरिया है ना, इट इज़ काइंड ऑफ हियर, ठीक है. यहाँ पे इस पूरे मीजियल आउटलाइन की, मतलब देखो, आउटलाइन कुछ नहीं है बेसिकली. इफ यू नो, लुक एट दिस, दिस इज आवर मीजियल आउटलाइन. ओके, दिस इज आवर डिस्टल आउटलाइन. इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे जो इस मीजियल आउटलाइन की जो क्रेस्ट होगी, क्रेस्ट है ना, वो होगी कॉन्टैक्ट एरिया. बिकॉज उसी क्रेस्ट पे अनदर टूथ, मतलब इसके मीजियली या फिर डिस्टली जो टूथ प्रेजेंट होगा, वो इसके कॉन्टैक्ट में आएगा. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया. तो जो मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया है, इट इज़ प्रेजेंट हियर. इट मीन्स मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया इज प्रेजेंट ऑन द जंक्शन ऑफ इंसाइजल थर्ड एंड मिडल थर्ड. ओके, तो हमें ऐसे दो चीज़ें क्लियर हो गई है कि जो डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया है, इट इज़ प्रेजेंट हायर टू द मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्लोप्स,
डिस्टल स्लोप एंड मीजियल स्लोप. डिस्टल स्लोप्स कुछ नहीं है, डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया से लेकर कस्प टिप तक, ठीक है. दिस, लुक एट दिस, ठीक है. ये होगी हमारी डिस्टल कस्पल स्लोप. ओके, मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ. ये होगा हमारा डिस्टल कस्पल स्लोप. एंड मीजियल कस्पल स्लोप होगा दिस वन, फ्रॉम द मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया टू द कस्प टिप. ऑब्वियस सी बात है, जब डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया हायर है तो डिस्टल कॉन्टैक्ट स्लोप जो है उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी इन कंसिडरेशन टू मीजियल मीजियल कस्पल स्लोप. ये होगा हमारा मीजियल कस्पल स्लोप. ओके, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिस्टल कस्पल स्लोप इज हायर देन मीजियल कस्पल स्लोप. ठीक है, देखिए डिस्टल कस्पल स्लोप और मीजियल कस्पल स्लोप कुछ नहीं है, डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया से लेकर कस्प टिप तक की जो स्लोप लेंथ है ना वही है और कुछ नहीं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेबियल एस्पेक्ट ऑफ द टूथ. हमें ये पता है कि क्राउन में तीन लोब होते हैं, है ना. एक सेंट्रल लोब विच इज़ क्रिएटेड ड्यू टू द सेंट्रल रिज, है ना, या फिर लेबियल रिज. और एक बनता है हमारा मीजियल लोब एंड वन इज डिस्टल लोब और ये हमारा सेंट्रल लोब. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्राउन एंड रूट ऑफ द लेबियल एस्पेक्ट ऑफ द कैनाइन. ओके, नाउ लेट वी विल मूव ऑन टू द लिंगुअल एस्पेक्ट. लिंगुअल एस्पेक्ट, यहाँ पे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि डिस्टल और मीजियल साइड कौन सा है, बिकॉज दैट अगर हम उसको पहले डिसाइड कर लेंगे तो इसकी नेमिंग हम बड़ी इजीली कर लेंगे और इसके एनाटॉमी जो है इजीली पढ़ पाएंगे. इजी तरीका क्या है, ऑब्वियसली लुक एट द रूट, ठीक है ना. देखो कनाइन का जो रूट होता है ना, ऑलमोस्ट इन एवरी केस इट इज़ टिल्टेड डिस्टली, बट इन सम केसेस इट इज़ ऑल्सो टर्न टूवर्ड द मीजियल साइड ऑल्सो, बट हम उतना रेयर जा नहीं रहे. सो फॉर द एनाटॉमी ऑफ दिस टूथ, ये हमारा है डिस्टल. हमें ये भी पता है कि जो डिस्टल कस्पल स्लोप है इट इज़ मोर देन द मीजियल कस्पल स्लोप. ये हमने कैसे डिसाइड किया था, एट ड्यू टू द पोजिशन ऑफ डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया विच इज़ हायर देन द मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया. ओके, ये देखो यहाँ पे अगर हम टिल्ट देखें सर्वाइकल लाइन की, लुक एट द सर्वाइकल लाइन, हाउ कॉन्वेक्स इट इज़ टूवर्ड्स द एपेक्स. सो इट इज़ मोर कॉन्वेक्स देन द लेबियल साइड, है ना. सर्वाइकल लाइन इन द लिंगुअल पोर्शन इज मोर कॉन्वेक्स टूवर्ड द एपेक्स देन द सर्वाइकल लाइन टूवर्ड द लेबियल एस्पेक्ट. ओके, जस्ट इमीडिएटली जस्ट बीनीथ द सर्वाइकल लाइन हमें एक बल्ज दिख रहा है. ये लुक एट दैट, है ना, लुक एट दिस पोर्शन, इट इज़ कॉल्ड सिंगुलम. ओके, जस्ट बीनीथ द सर्वाइकल लाइन देर इज अ बल्ज विच इज कॉल्ड द सिंगुलम, बेसिकली राउंडेड है ना. ओके, लुक, अभी हम इसके रिजेस को फॉलो करते हैं. लुक एट, इसके बीच में एक रिज है ना, लुक एट द रिज, ठीक है. हियर अगर लेबियल एस्पेक्ट में जो रिज था उसे हमने लेबियल रिज नाम दिया था, तो इसको हम नाम दे देंगे लिंगुअल रिज. ओके, वेरी इजी. अब देखो मीजियल आउटलाइन और डिस्टल आउटलाइन की तरफ ना, देखो यहाँ पे रिजेस हैं, लुक एट देम, है ना, लुक एट द रिजेस, है ना. ओके, अब ये क्या मार्जिन में रिजेस हैं, ठीक है, ये डिस्टल की तरफ है, इसको हम नेमिंग कर देंगे डिस्टल मार्जिनल रिज और इसको हम नाम कर देंगे मीजियल मार्जिनल रिज. ओके, देख अभी ये तीन रिजेस के बीच में हमें कॉन्केविटी मिल जाएगी ना, ये है ना. ऑब्वियसली अगर यहाँ पे एक रिज है, लुक एट दैट, यहाँ पे एक रिज है और बीच में एक रिज है और इधर एक रिज है ना, तो ये जो पोर्शन है ना, ये तो एक फोसा बन गया, दिस इज़ अ फोसा. ओके, नेमिंग बड़ी इजी है, ये फोसा किस तरफ है, डिस्टल की तरफ, तो इसे हम कह देंगे डिस्टल फोसा, ठीक है, और इसे कह देंगे मीजियल फोसा, वेरी इजी.
अब आपको इन फोसाज में ना डिप्रेशंस दिख रहे होंगे, सर्टेन काइंड ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करूँ, लुक है ना, ये देखो यहाँ पे आपको डिप्रेशन दिख रहे होंगे स्लाइड्स, ये देखो है ना, दीज आर द डेवलपमेंटल डिप्रेशंस विच आर प्रेजेंट इन द फोसा। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट द लिंगुअल पार्ट, है ना। लिंगुअल पार्ट के बारे में, लिंगुअल एस्पेक्ट के बारे में एक और बात है, अगर हम ध्यान से इसकी रूट को देखें, इसका जो रूट है ना, हमें लेबियल एस्पेक्ट ऑफ द रूट भी दिख रहा होगा, है ना। ये तो हमारा लिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ द रूट है, और ये लेबियल एस्पेक्ट ऑफ द रूट भी दिख रहा है हमको, है कि नहीं। ये नीचे आपको 3D में दिख रहा होगा, इट इज़ काइंड ऑफ टेपर्ड। अगर इसका हम टॉप व्यू देखें ना, तो ये काइंड ऑफ ऐसा है, ठीक है, ऐसा। मतलब ये हमारा लिंगुअल पोर्शन है और ये हमारा लेबियल, तो रूट इज टेपर्ड। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द लिंगुअल एस्पेक्ट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीजियल एस्पेक्ट ऑफ द कैनाइन। ओके, लुक एट दैट, इट इज़ आवर मीजियल एस्पेक्ट, ठीक है। कुछ वक्त हम मीजियल और डिस्टल में कन्फ्यूज होते हैं जब हम कैनाइन को देखते हैं, उसके मैं कुछ फीचर्स बताऊंगा, हाउ टू आइडेंटिफाई विच वन इज़ मीजियल एंड विच वन इज़ डिस्टल, ठीक है। ठीक है, ये हमारा मीजियल है। ओके, क्राउन हमें दिख रहा है, इट इज़ इन अ वेज शेप, है ना, वेज शेप में क्राउन है, वेज शेप, WE, वेज शेप का क्राउन है, ठीक है। यहाँ पे हमको दिख रहा होगा एक रूट के ऊपर देर इज़ अ डिप्रेशन, है ना, लुक एट द डिप्रेशन, जो कि रूट तक कंटिन्यू है, ठीक है ना। ये देखो, देर इज़ अ डेवलपमेंटल डिप्रेशन विच इज़ प्रेजेंट ऑन द रूट, ठीक है, इट इज़ आवर डेवलपमेंटल डिप्रेशन। ओके, सो ये हो गई इसकी एक आइडेंटिफाइंग फीचर कि जो डेवलपमेंटल डिप्रेशन है वो कहाँ प्रेजेंट है, रूट में प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्वाइकल लाइन। ये देखो, इसकी जो सर्वाइकल लाइन है ना, इट इज़ ऑल्सो वेरी डीप, जो कि हम अगर डिस्टल से कंपेयर करेंगे, जो कि थोड़ी कम होगी, डिस्टल साइड की सर्वाइकल लाइन इज़ लेस देन द मीजियल साइड, ऑलमोस्ट इन एवरी टूथ। मीजियल साइड में जो सर्वाइकल लाइन होती है उसकी क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर की डायमेंशन थोड़ी ज़्यादा होती है, इट इज़ अराउंड, यहाँ पे कितना है, 2.5 mm, ओके, 2.5 mm यहाँ पे क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर जो है सर्वाइकल लाइन का मीजियल साइड में, ठीक है। तो अगर हमको मीजियल साइड आइडेंटिफाई करना है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि उसमें एक डिप्रेशन है, डेवलपमेंटल डिप्रेशन प्रेजेंट ऑन द रूट, जो कि सिर्फ रूट में प्रेजेंट है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम डिस्टल साइड में देखेंगे ना, तब उसका जो डेवलपमेंटल डिप्रेशन है वो रूट से लेकर थोड़ा थोड़ा क्राउन तक भी एक्सटेंड कर जाएगा, और उसकी जो क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर है सर्वाइकल लाइन की, वो थोड़ी कम होगी। ओके, सो लेट्स सी द लुक। सो ये हमारा डिस्टल एस्पेक्ट है। नाउ अगर हमको याद है, लुक एट द डिप्रेशन। नाउ तुमको यहाँ पे देख ही रहा होगा, जो डेवलपमेंटल डिप्रेशन है वो किस तरह से क्राउन तक भी आ गया है, है ना। ओके, ठीक है ना, तो जो डेवलपमेंटल डिप्रेशन है इट एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द एक्सटेंड्स टू द क्राउन ऑल्सो। है ना, एक्सटेंड्स अप टू द, ये आइडेंटिफाइंग फीचर्स हैं बेसिकली मीजियल और डिस्टल साइड की। ओके, देखो यहाँ पे है, देखो अगर इसको कंपेयर करें, इसका जो क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर है सर्वाइकल लाइन का डिस्टल साइड का, इट इज़ अराउंड 1.5 mm, विच इज़ 1 mm लेस देन द मीजियल साइड। ओके, दीज टू आर द आइडेंटिफाइंग फीचर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीजियल एंड डिस्टल साइड। नाउ लास्ट पार्ट इज वी विल डू द इनसाइजल पोर्शन, इनसाइजल एस्पेक्ट। सो दिस इज बेसिकली द इनसाइजल एस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम सब कुछ देख पाएंगे, लुक हियर। अगर हमको याद है, ये कौन सा साइड था हमारा, अच्छा लेट्स डिसाइड द एस्पेक्ट्स ऑफ इट। पहले तो इनसाइजल में देखें, ये जो हम देख रहे हैं दिस इज आवर इनसाइजल एस्पेक्ट, है ना, क्राउन को हम नीचे से देख रहे हैं।
ये ऊपर वाला कौन सा होगा? इट इज आवर लेबियल, है ना? क्या हमको अभी यहाँ पे कन्वर्जेंस दिख रहा है? लुक एट हाउ कॉन्वेक्स इट इज, ये देखो, ओके ये देखो सिंगुलम यहाँ पे, राउंड राउंड शेप्ड कन्वर्जेंस जस्ट इमीडिएट बीनीथ द सर्वाइकल लाइन, ये होगा हमारा लिंगुअल पोर्शन, ओके ठीक है। अगर ये मैक्सिलरी कैनाइन है, इफ़ इट इज़ राइट तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टल और ये हो जाएगा हमारा मीजियल, ठीक है ना? ओके सो लुक एट इट। अब हम इसके अंदर फीचर्स देखते हैं, ठीक है। हेयर वी कैन सी द डिप्रेशंस, है ना? ये डिप्रेशन दिखे हमको यहाँ पे, ये हमको सर्व ये लेबियल रिज दिख गई हमको, है ना? और ये देखो, ये हो गई हमारी इंसाइजल रिज, ओके, जो कि हमको दिख रहा होगा, दिस इज आवर इंसाइजल रिज। ये क्या होगा? ये जो रिज हमें दिख रही है, ये होगी हमारी मीजियल मार्जिनल रिज और ये होगा हमारा डिस्टल मार्जिनल रिज, और बीच में एक रिज है जिसे कहते हैं लिंगुअल रिज, ठीक है। हम इनकी नेमिंग करते हैं। तो दीज आर द बेसिक फीचर्स जो कि हम इंसाइजल एस्पेक्ट से देख सकते हैं। ये क्या था हमारा? लेबियल रिज। तो ये हमारा क्या बना? लेबियल, सॉरी, सेंट्रल लोब। हाउ मेनी लोब्स आर देयर? 3 लोब्स। ये क्या बना हमारा? मीजियल लोब, इजंट इट? और ये हमारा बना डिस्टल लोब, ओके वेरी नाइस। ये क्या था हमारा? इंसाइजल रिज। इट इज आवर मीजियल मार्जिनल रिज। ये क्या था हमारा? लिंगुअल रिज। एंड दिस इज आवर डिस्टल मार्जिनल रिज। देर आर टू फोसाज ऑल्सो प्रेजेंट हेयर, है ना? डिस्टल की तरफ कौन सा फोसा? डिस्टल फोसा। एंड मीजियल की तरफ मीजियल फोसा, है ना? ओके, मीजियल फोसा, दिस फोसाज के अंदर डेवलपमेंटल डिप्रेशन होते हैं ना, उनकी बात हमने की थी प्रीवियसली। देर आर स्लाइट डिप्रेशन ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैनाइन।